अकाली दल दे विक्रम सिंह मजीठिया वालों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 7 दिन दा अल्टीमेटम देंदे हुए सरकार नूं नोटिफाइड मंडी घोषित करन, केंद्र सरकार दे हालिया खेती एक्टां नूं रद्द करन अते विधानसभा सैशन बुलाउण दी मंग कीती गई है। उन्हें कहा कि जेकर मुख्यमंत्री उन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नदे तां श्रोमणी अकाली दल मुख्यमंत्री दी रिहायश दा घिराओ करेगा। हर हिले संकट दे विच घिरी पंजाब दी किसानी दे लई खास तौर ते 3 नवें कानूनां विरुद्ध संघर्ष दे विच उह हर समय खड़े ने। उन्होंने कहा कि हर किस्म के नाल किसानां दे नाल श्रोमणी अकाली दल समर्थन करेगी। श्री गुरु नानक साहिब जी के 551वें प्रकाश पुरब नूं मुख रखते हुए उन्हां विदेश मंत्री दे कोल करतारपुर लांघे नूं जल्द खोलण दा मुद्दा भी चुकण दी गल कीती है। इस तों इलावा पंजाब दे मुख्यमंत्री तों एससी वजीफा घोटाले मामले दे विच साधु सिंह धर्मसोत दे खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करन दी भी उन्हां वल्लों मंग कीती गई है। देखो मैं गल बड़ी स्पष्ट है, किसान जथेबंदियां ने जिन्ने भी खर्चे उठाए सन वो सारे खर्चे समय समय नाल मोदी साहब नाल ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर नाल भैन जी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी कैबिनेट दे अंदर रहिंदियां और बाद च भी उठाउंदे रहे। उसे हिसाब च जिहड़ी MSP दी चिट्ठी भी आई सी, आफ्टरऑल उही खर्चे उठाए सन। MSP दी चिट्ठी भी आई, उस वेले भी किसान जथेबंदियां ने कहा कि MSP कल्ली चिट्ठी दे तौर ते साडी तसल्ली नहीं है। और असी भी फिर ये गल कही कि जे सारियां दी इस गल ते तसल्ली नहीं होंदी ते श्रोमणी अकाली दल भी इस गल ते तसल्ली नहीं प्रगटा सकदा, क्योंकि खर्चे वख-वख जथेबंदियां किसान उठा रहे आ। और अखीर च उहदा सिट्टा इही निकलिया कि जो मोदी साहब ने 2013 च गल कही सी एस चीफ मिनिस्टर रहिंदियां कि MSP एक स्टैचूटरी राइट बने, कानून बने, एक अधिकार बने, असी अज उही मंग करदे आ कि इन्हां बिलां च तुसीं MSP दी गल नूं दर्ज करा दिओ। क्योंकि अज भी देखो 27 MSP ऐलानियां जांदियां ने, मगर की हो रहा नरमे दा, MSP नहीं मिल रही। गन्ने दे भा 300 करोड़ हले तक देने वाला कला इतों का, टोटल देश का देखिए तो शायद 12-15 हज़ार देने वाला। क्योंकि जब बंदा प्राइवेट के बस पै जाता, किसानों के ही खर्चे कि जो प्राइवेट के बस पै जाओ फिर थोड़ू हैरेसमेंट होंगी है, थोड़ू सही मुल नहीं मिलते। अज बासमती दे 1509 के रेट कितने जा डिगे, 1000-1000 रुपये घट मिल रहे, 1700 मिल रहे। सो ये सारे गलों का निचोड़ एक है। चीमा साहब ने दस ही दिता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 7 दिनों का अल्टीमेटम है, नहीं तो कैप्टन साहब का घिराओ करांगे, जूना औखा कर देंगे, सैशन बुलाना पैना, फिक्स्ड मैच दिल्ली नाल असी नहीं खेडण देना। और लास्ट 7 दिन अज तो 20 तरीक तो नहीं तो उन्हां दा घिराओ कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुरू। और ना केवल वो सैशन बुलाउण जेडे उन्होंने ये पास किए सी बिलो वापस लैन, और नाल ही जेडे बाकी साडियां डिमांडा ने APMC मंडी दी सारे पंजाब नूं ऐलानिया जावे, इत्थों लिख के भेजा जावे कि स्टैचूटरी राइट MSP बने और ये तिने कानूनों नूं रद्द कर दिओ। पिछली बारी 28 तरीक वाला ड्रामा नहीं चलना जदों भेजा ही नहीं जो रेजोल्यूशन पास होया। सो ये सारी चीज़ां ते असी बड़े क्लीयर हैं कि पंजाब नूं APMC मंडी ऐलानो, FCI अडानी ते जिन्ने गडाउन है ये APMC मंडी हेठ आउण। देखो असी किसानां दी गल मन्नी जावे, असी ऑलरेडी चंडीगढ़ आके प्रोटेस्ट कीता सी और असी उहदे नी, क्योंकि गवर्नर भी दिल्ली दे चुने हुए एक तरीके की उही उन्हां दी अपॉइंटमेंट करदे, दिल्ली की आवाज़ है, इत्थे बैठी है। असी हुण बड़े क्लीयर हैं, पहला असी पंजाब की विधानसभा, पंजाब के लोगों की जिहड़ी आवाज़ है वो दिल्ली तक असी थ्रू विधानसभा पहला भेजनी। जदों विधानसभा का साडा पहला मोर्चा विधानसभा है, जब वो मोर्चा असी फतेह कर लेंगे फिर दिल्ली तो संभाविक है। दिल्ली तो पार्लीमेंट च भी लड़ाई हुई सी, पार्लीमेंट च भी जे सारा लोकसभा राज्यसभा च मुद्दा बनिया, जे ये महसूस होया कि राज्यसभा च लोकतंत्र का कान होया, सारा कुछ भैन जी के इस्तीफे तो बाद या श्रोमणी अकाली दल NDA का विरोध करन दे बाद होया। और असी सारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ नूं इस किसानी दे मुद्दे ते कट्ठे करके
देश एक किसान प्रधान देश है, पंजाब एक किसानी प्रधान सूबा, यह कला किसानों नाल नहीं है, खेत मजदूर दुकानदार पंजाब दे भविख की गल है, उन्हों लैके अखीर तक यह लड़ाई जारी रहेगी। खोलना चाहिए जी इमीजिएटली, मैं समझदा जे सारे गुरधाम खुल गए जी, जे कोई यह जहाँ गुरधाम नहीं अज दुनिया भर च साडे देश च जिथे जाण की कोई पाबंदी है, और मैं अज महसूस करदा कि बगैर देरी तो इमीजिएटली गुरपुरब भी आ रहा, और गुरपुरब दे सत्कार वजो पिछले साल बड़ा वड्डा प्रोग्राम दोवें देशों ने मनाया सी, इसलिए जिस किसी तरीके की देरी नहीं होनी चाहिए। और नाल ही मेरी पंजाब सरकार नूं बेनती है कि आप दे जिहड़े ए डी जी पी साहब है इन्हां दी सलाह ना लियो, क्योंकि इन्हां ने जिहड़ी सलाह दित्ती उह तुहाडे सारयां दे सामने, लोकां दी भावना वेखो, गुरु नानक नाम लेवा संगत की भावना वेखो, क्योंकि मैं इस कोरीडोर नूं पीस कोरीडोर मनदा जिथे सरबत दे भले की अरदास होनी है, और गुरु घर च हमेशा सुनेहा प्यार दा गया, सरबत दे भले दा गया, इसलिए ये खुलनी चाहिए। और अज मैं पाकिस्तान सरकार की इस गल की निंदा करदा, क्योंकि मेरे को अज खबर आई है कि इन्होंने भी वो रिस्ट्रिक्शन लाई है कि जिन्हें गुरपुरब से जाना कला ननकाणा साहब जा सकता, पहला किसी गुरद्वारा साहब भी खुले दर्शन दीदार की गल सी कि जांदा सी उत्थे जा सकता सी, मगर हुण जे उन्हूं रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है टू एनी वन प्लेस या एनी एक गुरद्वारा साहब, वो गलत गल है, ये सारी सोच दे उल्टा। सो साडी सरकार नूं अपना फर्ज निभाउणा चाहिए, उन्होंने अपने फर्ज निभाउणा।